नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरसीबी टीम के चार ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जो दोस्तों आईपीएल 2020 में आरसीबी को पहली बार चैंपियन बनाने में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। यानी दोस्तों, अगर इनका फॉर्म रहा तो आरसीबी की टीम पक्का चैंपियन बन सकती है। तो दोस्तों, यही सारी बातचीत इस वीडियो में करेंगे, इसलिए दोस्तों अगर आप आरसीबी टीम के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वहीं आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आईपीएल 2020 की और आरसीबी टीम से जुड़ी हुई हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मजबूत टीमों में से एक है, जिसकी कमान खुद दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज और भारतीय कप्तान विराट कोहली के हाथों में है। हालांकि टीम में अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद आरसीबी अभी तक एक भी खिताब अपने नाम नहीं कर सकी है। हालांकि इस टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक या दो बार नहीं बल्कि तीन बार फाइनल तक का सफर तय किया है। विराट कोहली की कप्तानी वाली इस टीम का इस बार यही प्रयास होगा कि टीम बेहतरीन प्रदर्शन करे और आईपीएल 2020 का खिताब अपने नाम करे। टीम में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और एरन फिन जैसे दिग्गज बल्लेबाज शामिल हैं। इसके अलावा टीम में गेंदबाजी की कमान डेल स्टेन, उमेश यादव, वॉशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल जैसे दिग्गज गेंदबाजों के हाथों में है। तो दोस्तों, अब बात करें उन चार खिलाड़ियों के बारे में, तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है विराट कोहली का। दोस्तों, आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर दर्ज है। उन्होंने 2016 के सीजन में 16 मैचों में 152.03 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 973 रन बनाए थे। इसके अलावा कोहली ने अपने आईपीएल करियर में 177 मैचों में 131 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 5412 रन बनाए हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कप्तान कोहली आईपीएल 2020 में अपनी टीम को चैंपियन बना सकते हैं। इसलिए अगर विराट का बल्ले से अच्छा फॉर्म रहा तो आरसीबी चैंपियन भी बन सकती है। इसके बाद दोस्तों, दूसरा नाम है एबी डिविलियर्स का। दोस्तों, एबी डिविलियर्स पिछले कई सीजन से आरसीबी टीम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने आईपीएल कैरियर में आरसीबी के लिए कई शानदार पारियां खेली हैं। डिविलियर्स ने अभी तक आईपीएल में कुल 154 मैचों में 151.23 के स्ट्राइक रेट के साथ 4395 रन बनाए हैं। उन्होंने पिछले सीजन में भी बेंगलोर की ओर से 13 मैचों में 154 की स्ट्राइक रेट के साथ 442 रन बनाए थे। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि डिविलियर्स आगामी सीजन में अपनी टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरा नाम है फिंच का। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच एक प्रतिभाशाली और अनुभवी बल्लेबाज हैं। उन्होंने अभी तक अपने आईपीएल कैरियर में कुल 75 मैचों में 130 से भी ज़्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1737 रन बनाए हैं, जिसमें 13 अर्धशतक भी शामिल हैं। फिंच के शानदार कैरियर को देखकर यह कहा जा सकता है कि अगर वह आरसीबी की ओर से अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तो यह टीम आईपीएल 2020 का खिताब भी जीत सकती है। इसके बाद दोस्तों, चौथा और आखिरी नाम है डेल स्टेन का। दोस्तों, डेल स्टेन ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत आरसीबी टीम के साथ ही 2008 में की थी। उन्होंने अपने शुरुआती मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 3 विकेट हासिल किए थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने कई टीमें बदली, लेकिन स्टेन एक बार फिर से अपनी पुरानी टीम में वापस आ चुके हैं। डेल स्टेन ने अपने आईपीएल करियर में अब तक 92 मैच खेले हैं और उनमें उन्होंने 6.76 की बेहतरीन इकोनॉमी रेट के साथ कुल 96 विकेट लिए हैं। स्टेन का अभी तक का सबसे सफल सीजन 2013 आईपीएल में रहा है, जिसमें उन्होंने कुल 19 विकेट चटकाए थे। इसलिए दोस्तों, अगर स्टेन अपनी गेंदबाजी से कमाल करते हैं तो आरसीबी आईपीएल 2020 का खिताब अपने नाम कर सकती है। तो दोस्तों, आरसीबी टीम के चार खिलाड़ी ये ऐसे हैं जिनके पास काफी सारा अनुभव है, ये काफी टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर ये आरसीबी के लिए आईपीएल 2020 में अच्छा करते हैं, अपना अहम योगदान देते हैं, तो हो सकता है आरसीबी की टीम इस बार चैंपियन बन जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आरसीबी को लेकर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।